आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इंडियन सुगर मिल्स एसोसिएशन यानी एस्मा ने केंद्र सरकार से चीनी के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मौजूदा 31 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर कम से कम 36 से 37 रुपए प्रति किलोग्राम करने का आग्रह किया है, जो उचित और लाभकारी मूल्य के अनुरूप है। आपको बता दें, चीनी के एमएसपी की आखिरी घोषणा फरवरी 2019 में हुई थी। खाद्य मंत्रालय को लिखे पत्र में एस्मा के अध्यक्ष आदित्य झुंझुनवाला ने कहा है, सरकार ने फरवरी 2019 में चीनी का एमएसपी 31 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया था, जब गन्ने का एफआरपी 275 रुपए प्रति क्विंटल था। 2019 से अब तक गन्ने का एफआरपी बहुत बढ़ चुका है। चीनी मिलों का 85% राजस्व चीनी की बिक्री से आता है और ये किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने का एक महत्वपूर्ण घटक है। वहीं इस्मा ने कहा कि ऋण और संयंत्र और मशीनरी के मूल्यह्रास और अन्य कच्चे माल की लागत पर ब्याज की लागत में काफी वृद्धि हुई है। आपको बता दें, कल केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सीजन 2022-23 यानी अक्टूबर सितंबर के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी को 10.25% की रिकवरी के हिसाब से 305 प्रति क्विंटल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।